Hey guys, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं टेक मुंबई कर। और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने जा रहा है 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। और हर बार की तरह इस बार भी आपको पे बहुत सारे धमाकेदार डील्स मिलने वाले हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्मार्टफोन्स की, तो काफी अच्छे अच्छे डील्स और काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। और अगर बात करूं स्मार्टफोन की, तो आईफोन्स की बात कैसे नहीं की जाए, क्योंकि आईफोन्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है और हर कोई सोचता है कि यार थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता तो मैं आईफोन बाय कर लेता। वेल, अगर आप प्लान कर ही रहते हैं आईफोन बाय करने का, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि इस बिग बिलियन डे सेल में आपको आईफोन काफी ज्यादा इफेक्टिव और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे देखने मिलने वाला है। सबसे पहले अगर बात करूं यहां पे आईफोन 12 की, वैसे आईफोन 13 अभी जस्ट लॉन्च हुआ, लेकिन जो आईफोन 12 है वो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर बात करूं यहां पे इसके कुछ स्पेक्स की, तो यार इसमें आपको A14 बायोनिक चिपसेट देखने मिलता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। कैमरास काफी अच्छे होते हैं आईफोन्स के, और इसी के साथ में जो डिस्प्ले है वो आपको यहां पे रेटिना वाला डिस्प्ले देखने मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक आईफोन है और हर कोई एप्पल का आईफोन यूज करना चाहता है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय एन आईफोन। और अगर बात करूं यहां पे आईफोन 12 की, तो जब ये लॉन्च हुआ था तो जो इसकी एक्चुअल प्राइसिंग थी वो थी 79,900 रुपीज, यानी 80,000 रुपीज। एंड इवन आईफोन 13 लॉन्च होने के बाद में भी जो इसकी प्राइसिंग है वो है 65,000 रुपीज। और अगर आप सोच रहे कि आईफोन 12 पे एक अच्छा डील मिल जाए और इस बार मैं आईफोन 12 को बाय कर लूं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पेज पे आपको एक टीजर दिखाई दे रहा होगा जहां पे जो आईफोन 12 की प्राइसिंग है वो इस बार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। और जो मशीन फिगर है वहां पे जो आपको मिनिमम प्राइस दिखाई दे रही होगी वो दिखाई दे रही होगी 49,999 रुपीस। तो मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि जो इस बार की सबसे लोएस्ट प्राइसिंग हो सकती है वो अराउंड 49,999 रुपीस हो सकती है, यानी 50,000 रुपीस में आपको आईफोन 12 मिलने वाला है। या जो आईफोन 12 आपको 65,000 रुपीस में मार्केट में मिल रहा है वो इस बिग बिलियन डे सेल में आपको 50,000 रुपीस में मिल सकता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं आईफोन 12 बाय करने का, तो इस डील को देखते रहिए, क्योंकि अराउंड आपको 50,000 रुपीस के आसपास ये फोन देखने मिल सकता है। अगर आपको आईफोन 12 बाय करना है, then this is the best time। और वहीं पे अगर बात करूं आईफोन 12 मिनी की, A14 बायोनिक सेम चिपसेट देखने मिल जाता है, साथ में कैमरास भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ जो डिस्प्ले साइज है वो कम है, क्योंकि इसका नाम ही मिनी है और ये काफी कॉम्पैक्ट फोन है। और ये फोन उन लोगों के लिए जिन्हें एक मिनी फोन चाहिए, कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, क्योंकि आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं मार्केट में वो काफी बड़े डिस्प्ले के साथ में आ रहे हैं। तो अगर आप आईफोन 12 मिनी बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो जनरली जो आईफोन 12 से 12 मिनी के बीच में प्राइस गैप होता है वो होता है 5,000 रुपीज का, लेकिन क्योंकि ये बिग बिलियन डे सेल है तो यहाँ पे आपको और भी अट्रैक्टिव प्राइसिंग देखने मिल सकती है। जहां तक मेरा गेस है कि आपको यहाँ पे अराउंड 8,000 to 10,000 का प्राइस गैप देखने मिल जाएगा, यानी अगर आपको आईफोन 12 50,000 का मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो आईफोन 12 मिनी है उसके भी 40,000 के आसपास आपको यहाँ पे प्राइसिंग देखने मिल जाए। अगर आईफोन 12 की प्राइसिंग 50,000 है, तो आईफोन 12 मिनी की प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए आप लोग मुझे गेस करके कॉमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे आईफोन के सबसे मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन की एज ऑफ नाउ, तो वो है आईफोन SE। और अगर बात करूं आईफोन SE के फीचर्स की, तो यार इसमें आपको 4.7 इंच का डिस्प्ले देखने मिलता है, A13 बायोनिक चिप आपको स्मार्टफोन में देखने मिलता है, जो कि अगेन काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसी के साथ में कैमरास काफी ज्यादा अच्छे देखने मिल जाते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं आईफोन बाय करने का, लेकिन आपका बजट काफी ज्यादा कम है, तो ये फोन आप सभी के लिए हो सकता है। जनरली जो इसकी प्राइसिंग चल रही है वो चल रही है 44,500 रुपीस के आसपास, लेकिन इस बिग बिलियन डे सेल में जैसे कि यहाँ पे टीजर में दिखाई दे रहा है वो आपको अंडर 30,000 देखने मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा किलर डील हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस प्राइसिंग पे आईफोन SE देखने नहीं मिला था। और अगर आईफोन SE अंडर 30,000 आता है, तो ये एप्पल का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल आईफोन हो जाएगा। और अगर आपका बजट कम है और आपको एक आईफोन बाय करना है, तो आप आईफोन SE की तरफ भी देख सकते हैं। सो यस, एक बार आप सभी को फिर से बता दूं, जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, और आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स तो देखने मिलने वाले हैं, साथ में आपको यहाँ पे बैंक ऑफर्स भी देखने मिलेंगे। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है या फिर ICICI का डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पे अप टू 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने मिल जाएगा जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे बाय करेंगे ड्यूरिंग दिस सेल। और इसी के साथ में अगर आपको आईफोन बाय करना है, तो आईफोन 12 आपको यहाँ पे अराउंड 50,000, आईफोन 12 मिनी आपको यहाँ पे अराउंड 40,000 या फिर 42,000 के आसपास, और जो आईफोन SE है वो आपको यहाँ पे अंडर 30,000 देखने मिल सकता है। सो अगर आप प्लान कर रहे थे आईफोन बाय करने का, देन दिस इज द राइट टाइम, एंड वेट करना इस सेल का, और इस सेल में जरूर चेकआउट करना कि आईफोन की प्राइसिंग क्या होने वाली है। और अगर आपको ये प्राइसिंग देखने मिलती है, तो मेक श्योर आप इसे बाय कर लेना, मिस मत करना ऐसे ऑफर को। और इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और उन सभी के साथ में शेयर कीजिए जो आईफोन बाय करना चाहते हैं, बहुत टाइम से अपने विश लिस्ट में आईफोन को रखे हुए कि यार कब प्राइस कम हो जाए और कब मैं इसे बाय करूं। मेक श्योर उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मैं मिलता हूं ऐसे कौन है वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।